सुमित्रा सान्याल, तुम तीनों की प्रेमिका प्रेयर्सी प्रियतमा, तीन पी प्रेम प्रकाश प्राणनाथ परेश पंडित, तीन पी तीनों पिया की पनाह में थी वे, लेकिन तुम तीनों पी ने पतन कर दिया मेरा, खून कर दिया मेरा। इन तीनों सिक्कों के लिए तुम तीनों ने मेरा लहू पिया था ना, तो ये लो ये तीन सिक्के। बदमाशों, खूनियों, ले लो ये सिक्के। मुझे आज भी याद है वो अमावस की अंधेरी रात, मेरे पिता प्रोफेसर सान्याल पर फायरिंग हुआ था, मेरे पिता का कत्ल हुआ था। मैं मेरे और मेरे पिता के खून का बदला लेने आई हूँ, तुम्हारी पाप लीलाओं का पर्दाफाश करने आई हूँ मैं। मैं हवा में ओझल हो जाऊंगी, मेरा पीछा मत करना। डॉक्टर, पंडित, ये सपना है या सच? बोलो बोलो, सपना है या सच? नहीं, सच है, सच है। लेकिन सपना तो सच में हवाओं में घुलकर ओझल हो गया। देखो, मैं डॉक्टर हूँ, पिछले 400 साल से मेडिकल साइंस मुर्दों को जिंदा करने की फॉर्मूला ढूंढ रहा है, मगर कामयाबी नहीं मिली। इस मुर्दा सुमित्रा ने फिर से जिंदा होके सारे मेडिकल साइंस को गलत साबित कर दिया। वो सुमित्रा नहीं थी, शायद उसकी आत्मा थी, प्रेतात्मा। आत्मा, महात्मा, परमात्मा, जो भी हो, मगर निश्चित है हमारा खात्मा। मरना ही है तो लड़ के मरेंगे। जिन सिक्कों के लिए मैंने अपना पूरा करियर दांव पे लगा दिया, उन सिक्कों को मैं किसी भी हालत में छोड़ने वाला नहीं। सिक्के सिर्फ मेरे हैं, सिक्के सिर्फ मेरे हैं। मैं जाता हूँ सिक्के लेने के लिए। अरे, सिक्के तो मुझे भी चाहिए। तो मैं क्या यहाँ भजन करने आया हूँ? सिक्कों पे सिर्फ मेरा हक है। रुको, मैं आ रहा हूँ। रुको रुको, पुष्पा, क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? सिक्के कहाँ हैं? मेरे पास है, दिखते नहीं? यस, मेरे हवाले कर दो मेरे हवाले। डॉक्टर, ये बेईमानी है। डॉक्टर, सिक्कों में हम बराबर के पार्टनर हैं। भूल जाओ बेईमानी और पार्टनर। सिक्कों का मैं हूँ अकेला ओनर, बस। एक भी सवाल जवाब कुछ नहीं, खबरदार। चल पुष्पा, सिक्के मेरे हाथ में रख। नहीं पुष्पा, हम भी नहीं निहत्ते, हमें भी सिक्के चाहिए। लाओ। क्या लाओ? जाओ जाओ, सिक्कों का असली हकदार मैं हूँ। पुष्पा जी, सिक्के हमें दे दीजिए। तीन सिक्के, तीन बंदर, तीनों को खाना है लंगर। मैंने सिक्के यहाँ रखे हैं, ये सिक्के नहीं, जलते हुए अंगारे हैं, जिसमें जलने की ताकत हो।
वही सिक्के उठाए। खबरदार, नाथ पीछे पीछे हट, हट पीछे, आगे मत बढ़ना और सिक्कों को छूने की कोशिश भी मत करना। आगे बढ़ पुष्पा, आगे बढ़, सिक्के उठा और मेरे हाथ में रख। कमॉन कमॉन कमॉन, खड़े रहो वहीं के वहीं, चल उठा। नोबडी विल मूव, प्लीज खड़ा हो जाओ। डॉक्टर खड़ा हो जाओ। खड़ा होता हूँ, हट जा, अपने हाथ ऊपर करो। पुष्पा तुम्हें हाथ ऊपर करने की जरूरत नहीं है, चलो सिक्के उठाओ उठाओ। नाथ कोई चालाकी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? यस यस यस। पुष्पा सिक्के उठाओ और मुझे माला माल कर लो। ए, सिक्के उठा। ठीक है, तुम हो जाओ माला माल, फिर देखते हैं किसका क्या होता है। नाथ हाथ ऊपर कर, प्लीज प्लीज। नाथ संभाल के, असली है। हैंड्स अप, हाथ ऊपर करो। अब पूरी बाजी मेरे हाथ में है और मैं तुम दोनों की तरह मूर्ख नहीं हूं। सिक्के मैं खुद उठाऊंगा, पर उससे पहले तुम तीन पी 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 प्रेम प्रकाश और पंडित दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। नाथ नहीं नहीं, टर्न अराउंड। ओके ओके ओके, और हाथ ऊपर करो। जैसे कि पूरी दुनिया मेरी जेब में आ गई। ऐसी थ्रिल, ऐसा मजा मैं महसूस कर रहा हूं। वर्ल्ड इन माय पॉकेट, वर्ल्ड इन पॉकेट। वाह, कर लो दुनिया पॉकेट में, कर लो दुनिया मुट्ठी में नहीं, कर लो दुनिया पॉकेट में। कौन है, कौन है? सामने आओ वरना मैं गोली चला दूंगा। गोली तुम नहीं, गोली मैं चलाऊंगी मिस्टर नाथ। रिवॉल्वर अपनी जेब में रख दो वरना मेरी गोली तुम्हारे सीने के आर पार हो जाएगी। सुमित्रा, सुमित्रा तुम, सुमित्रा तुम जिंदा हो? नहीं चली ना, नहीं चलेगी, क्योंकि रिवॉल्वर की सारी गुलियां तो मेरे What? पास। Oh my God! पुष्पा, तुम्हें पता था ये रिवॉल्वर खाली है, फिर भी तू? फिर भी मैं रिवॉल्वर से डर के आपके आदेशों का पालन कर रही थी, बल्कि यूं समझिए कि नाटक कर रही थी। मैं देखना चाहती थी कि तुम इन सिक्कों के लिए कितनी हद तक जा सकते हो। तो नाथ साहब, अब ये खिलौना डॉक्टर साहब को दे दीजिए। लाओ। और अपनी जेब से पूरी दुनिया यानी कि सिक्के मेरे हवाले कर दो। कमॉन। और ये सिक्के वापस ना करूं तो ये लड़की तुम्हें शूट कर देगी। हैंड्स अप। ए लड़की, सिक्के मुझे दे दे। नाथ, ये सिक्के मुझे दे दो। कम ऑन, गिव मी अ कॉइंस। प्लीज प्लीज पंडित। वाह, आखिरकार ये सिक्के मेरे पास आ ही गए। मैंने अपनी जिंदगी के 25 साल गवा दिया इन सिक्कों के लिए। और इन्हीं सिक्कों के लिए तुमने अपनी दोस्त, हमदर्द
प्रेमिका जो भी कहो, सुमित्रा की हत्या कर दी, राइट? हाँ, मार दिया, मार दिया मैंने। मगर तू मर के वापस कैसे आ गई? मार दूंगा, सबको मार दूंगा मैं, सबको मार दूंगा मैं। प्लीज पंडित, इतने सारे खून सिर्फ इन मामूली सिक्कों के लिए? मामूली, मामूली बेवकूफ, ये मामूली सिक्के नहीं है, करोड़ों के सिक्के हैं। करोड़ों की कीमत के सिक्के तो मैंने कब के इस हवेली त्रिकाल के किसी कोने में गाड़ दिए हैं। तुम जिन सिक्कों के लिए ये खून की होली खेलने के लिए निकले हो ना, ये तो डुप्लीकेट है, नकली है, नकली। What? ये सिक्के नकली है, इस बात का कोई सबूत है तुम्हारे पास? ये सिक्के आए कहां से? सुमित्रा की प्रेत आत्मा से प्राप्त हुए, बराबर? बराबर। सुमित्रा की प्रेत आत्मा आई कहां से? आई कहां से मतलब, सीधी सी बात है, तूने प्रकट की थी सुमित्रा की हूबहू डुप्लीकेट हमशक्ल औरत। बिल्कुल सच बात, ये माया को मैंने सुमित्रा बना के तुम लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। मैंने ही माया को नकली सिक्के दिए थे। अरे जनाब सोचिए, असली सिक्के होते तो मैं इस तरह से फेंकने को कहती? पुष्पा का मतलब फूल होता है, जी करता है इस फूल को मसल के मैं मटिया मेट कर दूं। याद रखो, फूल के साथ सूल भी होते हैं, मुट्ठी से मसलोगे तो खून के साथ कांटे भी आर पार हो जाएंगे। मिस्टर पंडे, काम डाउन, रिलैक्स, बल से नहीं अक्ल से काम लो। मिस्टर पंडित, सब भूल जाओ। सब भूल जाओ? अरे सब कैसे भूल जाएं? याद आया, जस्ट ए मिनट, जस्ट आई एम जस्ट कमिंग। यस, लुक हियर। माया, ये देखो, ये तस्वीर तुम्हारी है। Yes, of course, it's my photograph. जिसका मैंने अपहरण करवाया था और डॉक्टर ने ब्रेन वॉश किया था। तस्वीर देख के भी समझ में नहीं आया कि ये लड़की सुमित्रा जैसी दिखती है। स्कूल ड्रेस में ये लड़की पहचानी नहीं गई। और दुनिया में एक शक्ल के तकरीबन 7 हम शक्ल होते हैं। सपने में भी नहीं सोचा था ना कि माया को सुमित्रा बना के तुम्हारे मुखौटे उतारे जाएंगे। इस माया को सुमित्रा की नकली प्रेतात्मा बनाकर हमारे सामने प्रकट करना और इस लड़की के हाथ से नकली सिक्के फेंकवाना और हम तीनों के सब राज जानने के लिए, पुष्पा तू हमारे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रही है ना? और ऐसी गेम खेल के ये बता, तुझे चाहिए क्या? मैंने कहा था ना कि तुम्हारे हर एक प्रश्न का उत्तर मैं समय पे दूंगी, अभी समय नहीं हुआ है। लाओ सिक्के दो। लो पकड़ो, आप भी लीजिए नाथ जी। डॉक्टर साहब, आपके लिए एक और, ये सिक्के कहीं चल जाए तो चाय पी लेना। चलो माया। तो ये सिक्के नकली है? हाँ, इसकी चाय तो क्या चने भी नहीं आएंगे। तो फिर असली सिक्के कहाँ हैं? पुष्पा ने बताया ना कि असली सिक्के उसने कहीं हवेली के कोने में गाड़ दिए हैं। तो अब एक ही रास्ता है, हम पुष्पा को इस हवेली के किसी कोने में जिंदा गाड़ दें। राइट, हम तीनों मिलकर उसका गला घोट देते हैं। मैं तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। डन डन डील फाइनल। पुष्पा से जो सिक्के प्राप्त होंगे उसके हम बराबर बराबर के पार्टनर होंगे, एग्री?
एग्री। यस। पुष्पा के मर्डर के लिए। राइट। एग्री। आने दो। उस नमक हराम के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। यस। मतलब हमारी टुकड़े टुकड़े गैंग पुष्पा के टुकड़े करने को तैयार है। यस। वेल डन सर, वेल डन। मर्डर का प्लान बनाना तो कोई आपसे सीखे। ये तो हमारा पुराना शौक है। एक अकेली औरत ने तुम तीनों को तिथि देखकर अतिथि बनाया। मगर आज की तिथि तेरी अंतिम तिथि हो जाएगी। तो एक भोले बालक की तरह बता दे, असली सिक्के हवेली में कहां छुपाए हैं? अगर ना बताऊं तो? असली सिक्के कहां है वो तो तेरा स्वर्गस्थ बाप भी बताए। तड़पा तड़पा के जान लेंगे कि असली सिक्के कहां है। तेरा अंत अब बिल्कुल नजदीक है। चलो। यस। दबा दो इसका गला। दबा दो इसका गला। मार, दबाओ, मार, इसका गला घोंट दो। घोंट दो इसका गला। दबाओ माया 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 माय गॉड। माया, ये तो मर चुकी है। सी इज नो मोर। तुम तीनों के हाथों एक और खून खून